ओवरटेक कर रहा हूँ भैया। Have a look at this sky. भाई यहाँ पे ऐसा मौसम एक महीने से है भाई जयपुर में। So that is why we have decided to go at few places in Jaipur. कोई भी random places, क्योंकि ऐसा मौसम है भाई। और ये जयपुर में भाई पता नहीं क्या हो गया, हर दिन बारिश आ रही है। मतलब कोई बटन दबाता है बारिश आती है, बटन ऑफ करता है बारिश आती है। So yeah guys, welcome back to my another vlog. यार मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम लैप्स ले लूँ यार। ले लूँ क्या? ले लेते हैं। तो भाई अभी अचानक से धूप आ रही है और लुक एट द क्लाउड्स एंड द स्काई इज मोर ब्लूअर देन बिफोर। भाई वाओ, ये मौसम बढ़िया है। लेट्स गो। लुक गाइस, आई वाज अबाउट टू लीव द होम और ये बारिश आ गई थी और अभी रुक गई है, बट अभी आई थी, ऐसे चलता रहेगा ऑन ऑफ ऑन ऑफ। सो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स एट हवा महल। यही भी हम मिलेंगे, फिर उसके बाद देखते कहाँ चलते हैं। लुक एट द व्यू, वो नारगढ़ जा रहे हैं, वही टिपिकल सी लोकेशन, पूरा ग्रीनरी है, पूरा सीन चेंज है। तो भाई उधर कैसा है भाई, दिल्ली से स्ट्रेट यहाँ पे? तो जयपुर अच्छा लगता है। हाँ यार, जयपुर बढ़िया है यार, दिल्ली से बढ़िया जयपुर भाई। व्यू ही ऐसा है। तो गाइस, मैं अभी आज मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है? आज ऐसा मतलब बात करते करते आपको दिखाता हूँ। तो हमने कर दी मोटो व्लॉगिंग चालू। तो भी सोचा होगा कि राजस्थान का लुक है, हरा भरा एकदम, चारों तरफ ग्रीनरी। और आज तो वेदर भी इतना अमेजिंग है ना कि भाई बाहर आ जाओ, शूट करो बस। स्ट्रेट स्ट्रेट राइट पे खुदा दे, ओवरटेक कर रहा हूँ भैया। भाई तुम एकदम केयरफुली ड्राइव करना अभी, इन केस कभी भी आते हो, कोई भी देख रहा है यहाँ पे नारगढ़, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज कारें आती है अपोजिट साइड से। और टर्न देखो, पता नहीं चलता लेफ्ट साइड। अभी देखना, जैसे देखो ये देखो। सो गाइस, वी हैव अराइव्ड एट द बेस्ट सीनिक व्यू ऑफ जयपुर। जलमहल कह रहा था ना, वो ये से दिख जाएगा हमें। रणथंबोर में पुलिस वाला मिला था, वो कह रहा था कि जब बिजली गिरे ना अपने ऊपर तो फटाक से नीचे बैठ जाना। अब तो कैसे बैठोगे भाई, प्रॉपर एक्शन करके दिखा रहा था कि जैसे बिजली गिरे तो फट नीचे से बैठ जाना। अरे यार क्या बात, तेरा सनसेट का क्या सीन है भाई? सनसेट नहीं दिखेगा, हम तो सनसेट के हिसाब से आए थे, अब सन ही नहीं दिख रहा भाई। दिस इज द व्यू एंड मिर्ची बड़ा समोसा। बाय द वे गाइस, आज जन्माष्टमी भी है, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आपने कितने के लिए? सनसेट अब दिखेगा नहीं, बट बादल बहुत तेज मूव कर रहा है। अभी हम नारगढ़ फोर्ट आए हैं, फोर्ट के अंदर। वैसे मैं कभी फोर्ट के अंदर वीडियो बनाई नहीं है, और टाइमिंग तो देखो अंधेरा होने वाला है। ये इन लोगों ने बंद ही नहीं किया अभी तक। ये प्लास्टिक के ऊपर कैसे पड़ा है भाई, ये किसके ऊपर कैसे पड़ा है? वो टच तो कर, उसको बिलीव ही नहीं कर पाया। इंसान बैठ जाए वो टूट जाए चेयर भाई। तो ये कैसे वेट, कौन सी कंपनी है? ओ भाई, हम जा तो रहे हैं बट जाना नहीं चाहिए। मुरारी जा, ब्लैक बोर्ड, ये मुरारी जाएगा इस। ये भी मुरारी लग रहा है। तो अभी हम टॉप में आ चुके हैं, नारगढ़ फोर्ट के टॉप में। तो मैं आपको रात का व्यू दिखाता हूँ, ऐसे सिटी लाइट जो भी है। सो दिस इज द लुक। बेस्ट सीनिक व्यू, हमारी बोतल लेके आए हैं। ये मस्त है, गेट्स में सारे। तो यार यहाँ पे पकड़ पकड़े खेलने हैं भाई, क्या मजा है भाई। हमको हो गए इतने सारे गेट्स के बीच। अनदर प्लेस, ओए होए, कह रहे थे वहाँ की बॉल भाई। हम देखते हैं गाइस, ये तो कंफर्म है जन्माष्टमी के दिन बारिश तो पक्का होती है, अभी भी हो रही है भाई। जल्दी चलो, आ चुके हैं गोविंद देव जी टेम्पल। अब भीड़ अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अभी 11 ही बजे होंगे। तो अब इतनी भीड़ है यहाँ पे कि हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, बस एक झलक ही देख सकते हैं। जय गोविंद देव जी।
काफी सेलिब्रेशन कर लिया यहाँ पे, गोविंद देव जी में तो नहीं हुआ, कहीं और आके हमने किया। तो नाउ गाइस वी आर मूविंग बैक टू आवर होम, देखते हैं अब कहाँ जाएंगे इसके बाद। वैसे कुछ प्लान थोड़ी है, कुछ खुला हुआ ही नहीं होगा भाई, सुबह 3-4 बजे चाय की दुकान खुलेगी। बादल भाई सही में बहुत तेज आने वाली बारिश, चलते नीचे टाइम पे।